और गांव में भी छोटा छोटा बच्चा वो माँ से पूछ रहा है जब मेरा पिताजी कब आएगा। प्रेशर में बताने के कोई लायक ही नहीं है। छोटा बच्चा है हमारा भांजी, वो भी कह रहा है मामा कब आएगा, है क्या मामा। बहुत परेशान भी है। घर का बात बोलूँ तो क्या बोलूँ, घर का बात मतलब बोलने से हमें खुद परेशान में, घर में तो क्या बताऊँ। छोटे बच्चे भी है, लेकिन मेरा भाई का शादी हुआ है 7-8 महीना का, वो डिलीवरी हुआ है, लेकिन अभी उसका बच्चा नहीं है, मेरा छोटा है वो। हम लोग रिपोर्ट मिल जाएगा, हम लोग घर चले, हम लोग खाने के लिए नहीं आया। जय भैया, ये आपका तो डेड बॉडी, आपका तो ये 14 नंबर डेड बॉडी तो आपका बिहार में चला गया, उसका तो दूसरा वारिस निकला है, वो उन्होंने ले गया। तो फिर मैं बोला जी तो बॉडी मेरा लड़का का साथ मैसिंग हो रहा है, तब उन्होंने कहा तो ठीक है जो बॉडी गया है उनका भी डीएनए टेस्ट करेंगे, आपका भी डीएनए टेस्ट करेंगे। बाहानागा ट्रेन ट्राजेडी को आज पाखापाखी 20 दिन बीतीगला, हेले ए जाए प्राय पाखापाखी 80 डेड बॉडी रो परिचय मिल पारनी। एम्स रे डेड बॉडी रही परिजन माने ये भुवनेश्वर एम्स निकट रहुछंती, अनेक दुख अनेक कष्ट नहीं ए जाए परिचय खोजुची शब, डीएनए सैंपल दिखाई तार मध्य रिपोर्ट आसीनी। वर्तमान मो संगे ये परिजन माने अच्छा जो माने कि वेस्ट बंगाल बिहार विभिन्न राज्य आसिक अच्छा प्रतिक्रिया नवा कष्ट जो रही तो बहुत बड़ कष्ट, कारण निज परिजन को हर कष्ट जड़े परिजन को हर लोक ही जापे से जो कष्ट रही दुख रही। ट्रेन ट्राजेडी लोक मनरु आस्ते आस्ते लिभि लिभि जाऊँगी, किंतु जो कष्ट रही मनरे से कष्ट ए जाए ताजा रही। आम जी कथा बिहार दरभंगार जड़े अच्छा जे कि परिजन को अपेक्षा कर, क्या नाम है सर आपका, कौन है ये? ये मेरा भाई हुआ, चचा कलर का है। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जी ये बिहार से आ रहे थे, वो हावड़ा में आए, वहाँ से गाड़ी पकड़े 3 बजे करमंडल एक्सप्रेस, वहाँ से चेन्नई जा रहे थे वो काम करने के लिए। वहाँ से 2-3-4 घंटा चलते ही मात्र वो गाड़ी जो है सो एक्सीडेंट कर गया। तो वहाँ से जो हम फिर उसके बिहान होके हम लोग यहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बॉडी उडी हमको मिला नहीं, कोई पता मिला नहीं। तो यहाँ 7-8 दिन यानी 10 तारीख हम लोग इधर से गए, आने वो बोला था ये जांच करने के लिए आने जो अभी क्या आप डीएन टेस्ट के लिए वो बोला देने के लिए आने 6 दिन में आपको हर चीज़ मिल जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ 16-17 तारीख को यहाँ आए, यहाँ आने के बाद आजकल कर रहा है, कोई रिपोर्ट यहाँ आ नहीं रहा है। जी हाँ, आप कौन हैं सर? मेरा भाई वो अखिलेश कुमार यादव, उनका हम भाई वो चचा का लड़का हुए। तो वहाँ से वो जो निकला तो हमको फ़ोन किया 3 बजे में हावड़ा में आके कि भैया हम गाड़ी में बैठ गए हम आ रहे हैं। तो हम बोले ठीक है आ जाओ, बोला भैया काम हम खोज के रखे, बोला ठीक है आ जाओ। नहीं नहीं चेन्नई जा रहे थे तो हम भी चेन्नई थे, तो हमको फ़ोन किया कि भैया हम आ रहे हैं, बोले ठीक है आ जाओ। उसके बाद जो 7 बजे के बाद जो न्यूज़ देखे तो एक्सीडेंट वाला बात थोड़ा हमको डाउट हुआ कि इसमें आपको कैसे पता चला? हम न्यूज़ में देखे, उसके बाद घर से भी फ़ोन आया, तो गाड़ी में बैठने वक्त हमको फ़ोन भी किया कि भैया हम गाड़ी में बैठ गए हैं। उसके बाद न्यूज़ देखने के बाद इसको नंबर पे हम कॉन्टेक्ट किए, नंबर स्विच ऑफ आने लगा। अभी उनका डेड बॉडी आप आइडेंटिफाई कर नहीं पाए? डेड बॉडी मतलब हम आए तो मतलब डेड बॉडी हमको कहीं नहीं मिला। 3 तारीख को हम रात में ही आ चुके, जहाँ स्कूल में हाई स्कूल में रखा गया था डेड बॉडी, तो वहाँ भी हम चेक किए। उसके बाद हमको एम्स भेजा गया, एम्स में हम पूरा पता किए, चाहे एम्स का बगल में जितना भी हॉस्पिटल है 6-7 हॉस्पिटल में हमको भेजा गया। हम जहाँ जाके उनके साथ में एक और लड़का था तो उसका डेड बॉडी मिल गया, वो भी मेरा ही गांव का था, तो उसका डेड बॉडी मिल गया, मेरा भाई को डेड बॉडी नहीं मिला। और किसी लोग को अच्छा, आप कहाँ से दादा? हम पश्चिम बंगाल से। अच्छा, कौन है आपका? मेरा भाई है, भाई है। हाँ, खड़गपुर से चेन्नई जाने वाला था और उधर ट्रेन खड़गपुर से ट्रेन में बैठा और इधर तो हादसा हो गया। उसका बाद अपना गांव, मेरा गांव का मेरा भाई था और मेरा पड़ोसी गांव का 2 लड़का था, 3 जने किया था, 2 जन का तो 3 तारीख को उसका एक गेम से दोनों का डेड बॉडी मिल गया और मेरा भाई का नहीं मिला। अभी क्या बोल, डीएनए सैंपल लिया? हाँ, डीएनए सैंपल लिया और उसका भी एक आईएनडी5 किया है। वो जो टी शर्ट पहना हुआ है उसका ही खाली
हाँ सैंपल से हम लोग इसका आइडेंटिफाई किया है, अभी डीएनए का टेस्ट आने का बाद मालूम पड़ेगा। घर में सब परेशान होते होंगे? हाँ वो तो हम लोग भी बहुत परेशानी है, घर वाला भी बहुत परेशानी है, पूरा परेशानी है, और मेरा भाभी और एक छोटा भतीजी भी है, वो लोग तो बहुत रो रहा है। खाना फाना भी बराबर से नहीं खा रहा है। अभी तो 20 दिन ऐसे बीत गया ना? 20 दिन ऐसे भी बीत गया। हम लोग भी बहुत जगह, वो भुवनेश्वर, वो कटक, बालेश्वर, बहुत जगह के ढूंढने का बाद इधर आके एक आईडेंटिफाई किया है, लेकिन वो डीएनए का टेस्ट का बाद मालूम पड़ेगा। आपका क्या बताएंगे स्टोरी भैया? आप कौन? आप भैया है? आप कहाँ से है भाई? मैं वेस्ट बंगाल करमदगी से हूँ, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी कितने दिन से इंतजार है, क्या कर? मैं 3 तारीख से गांव से निकला हुआ हूँ, उसके बाद अभी तक गांव नहीं गया हूँ। जितना हॉस्पिटल है घूम लिया हूँ, जिंदा या मुर्दा कुछ नहीं मिला है। बच्चा भी छोटा छोटा, इसका बच्चा है 3 गो, वो बहुत परेशान है, 6 साल से नीचे है पूरा बच्चा। हम लोग भी यहाँ बहुत जगह भटक चुका हूँ, कहीं नहीं मिला है। अभी तक डीएनए तो दिया हूँ 7 तारीख को, आजकल करते करते आज 20-22 दिन हो गया है, कुछ खबर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इधर हूँ। और गांव में भी छोटा छोटा बच्चा वो मामी से पूछ रहा है जब मेरा पिताजी कब आएगा, इसे सोच क्या 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 जवाब दे रहे हैं ये देखिए बताएं। कोई तो जवाब नहीं है तो क्या बोलेंगे। यहाँ से ऐसे घूम रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब बहुत दुख होता होगा। बहुत दुख होता है, अगर जिंदा मुर्दा मिल जाता तो हम लोग भी अपना चला जाता हूँ घर। जिंदा है कि मुर्दा है, मतलब मर गए हैं वो तो पता नहीं है ना? हाँ, इसका डेड बॉडी भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, डीएनए टेस्ट दे कर बैठा हूँ हम लोग। क्या काम कर रहे थे, क्या क्यों निकले वहाँ से? 5 महीना हो गया था, वो हमारा जो इतवार है 29 तारीख में, उसके ईद के लिए वो आ रहा था गाँव। सोचा पहले चला जाएंगे तो भीड़ कम होगा ट्रेन में, इसलिए जनरल बोगी में था ये। फोन किया था 4 बजे तो बोल रहा है गाँव उड़िया हावड़ा जाएंगे, उसके बाद फोन करेंगे। आप क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है आलमगीर हक, मेरा भाई का नाम है जीशान आलम। उड़िया जो बालेश्वर में जितना हॉस्पिटल है, एम्स मेम्स जा लेके मान लो यहाँ का जितना हॉस्पिटल है सारे ढूंढ चुका हूँ, लेकिन ये एलईडी स्क्रीन में ये फोटो मिला था एनर्जी पार्क में। इसके बाद बोला था ये बॉडी सारे भेज दिया गया है भुवनेश्वर में, तो इसके बाद यहाँ आके 6-6 पूरा हॉस्पिटल ढूंढा था, अभी तक तो मिला नहीं, क्योंकि यहाँ ये बॉडी जो फोटो जो उठाया था ये फोटो में रात को उठाया था, इसका कोई नंबर मालूम नहीं है, इसके चक्कर में बॉडी ये लोग मानो दिखा रहा है नंबर नहीं है, पहले नंबर बताओ कौन सा है देखूँ इसके बाद। वो हिसाब से पूरा हम लोग जितना दिखाया उतना देख लिया, लेकिन ये नंबर के वजह से अभी तक तो मिला नहीं है। इसके बाद हम जब ये मिला था, इसके बाद हम थोड़ा परेशानी में था, 8 आदमी आया था, हम आया था से बेंगलोर से, मेरा एक सारू आया था, ये आया था क्या विशाखापट्टनम से, और घर से आया था 5-6 आदमी। तो क्या किया, अभी आपका डीएनए सैंपल लिया गया है? डीएनए सैंपल लेके गया है। प्रेशर में बताने के कोई लायक ही नहीं है, छोटा बच्चा है हमारा भांजी, वो भी गया कर मामा कब आएगा, है क्या मामा? बहुत परेशान भी है, घर का बात बोलूँ तो क्या बोलूँ, घर का बात मतलब बोलने से हमें खुद परेशान में, घर में तो क्या बताऊँ। छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा भी है, लेकिन मेरा भाई का शादी हुआ है 7-8 महीना का, वो डिलीवरी हुआ है, लेकिन अभी उसका बच्चा नहीं है, मेरा छोटा है वो। ये जो हमारा वहाँ का ये जो घर का हालत देख लो, घर का हालत क्या है, हमने देखो चंदी घर और अवस्था के अंदर देखो चंदी। जिस दिन वो हमारा आज यहाँ जिस दिन आके हमारे बॉडी मान लो एलईडी स्क्रीन में जो मान लो शनाख्त किया है, इसके बाद घर सुनने के बाद ये हाल हो गया। तब तो अभी तक 20 दिन हो गया, तो फिर इसके घर में क्या होगा? हम मुसलमान है, अगर बॉडी मिल जाएगा तो हम वही सब से उसको क्रियाक्रम करके आगे बढ़ सकते हैं। ये अभी तक 20 दिन से घर में कोई मान लो चूल्हा नहीं जल रहा है, दूसरा देते हैं वही तो अब खाते हैं, कौन हिसाब से क्या करूं, ना सो सकता है ना पकड़ सकता हूं, ऐसे हालत में पड़ गया हूं। सही बात है। ये क्या हाल है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा बीबी है, दीदी है, सब ये सब है। हाँ। ये सब मतलब
आपका रिलेटिव ये सब हमारा रिलेटिव है, इसका भी है। अच्छा वो हॉस्पिटल में है? हाँ हॉस्पिटल में भी एडमिट किया था, ये सुनने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया था, नहीं घर में था, ये मेरा पापा है ये मेरा मामी है। देखो बंधु आप देखुले के दुखदायक ये घटना, अनेक लोक मोबाइल रे वीडियो देखुं कष्ट देखुं। हाँ आप कहाँ से हैं भैया? मेदनापुर का है। मेदनापुर का? हाँ मेरा नाम गोपाल मन्ना है। हमारे मेजो भाई पेंट्रीकार का काम करता था, कर्णमुन्नु स्पेस में पेंट्रीकार में काम का काम करता था। ये पेंट्रीकार का बिल्ला है, ये पेंट्रीकार का है। हाँ अच्छा अच्छा ये हो गया। हम वही गाड़ी थे, दो भाई छिलो, एक भाई बड़ो भाई ওনার কিছু হয়নি, মাথায় একটু চোট লেগে গেছে। ঘর মে তো পরিশানি, মাম্মি কা সেলাইন চাল রা তো গরমি কা সিজনে এ তো খাতা না খাইটা হয়নি, এতে না খেয়ে বা না এই হয়ে সব দুর্বল দায় কানাঘাটি করতেছে, এতে সেলাইন দিতে হচ্ছে। জি হ্যাঁ কাঁ সে আয়ে ওর কে? ওয়েস্ট বেঙ্গল পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট সে আয়া। মেরা নাম শ্যামাপদ হ্যাঁ। মেরা যো ডেট কিয়া ও জিজাজু হ্যায়, जसपुर से आ रहा था हावड़ा। मैंने जसवंतपुर हावड़ा, जो मतलब ये करमंडल का नहीं है? आप करमंडल का नहीं है, जसवंतपुर जसवंत। उसमें पता चला दो आदमी था, दोनों मेरा जीजा था, तो एक आदमी घर लट के गया और एक आदमी अभी पता चला जो डेट हो गया, तो हम लोग 5 तारीख को DNR दिया है। क्या 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 प्रॉब्लम है घर में? घर में छोटा छोटा बच्चा है, मेरा दीदी रो रहा है पूरा, अभी क्या करेंगे वही सोच रहा है। अभी कोई रोजगार कमाने वाला कोई है नहीं, हम लोग भी यही पड़ा है, कौन कमाएगा कौन खिलाएगा। आप कितने दिन से यहाँ पर? यहाँ पर 15-16 दिन हो गया आज। और रेडीज का पापा का हालत देखिए कैसा हो रहा है। आपके पिताजी है? जीजाजू के पिताजी है। जीजाजी के पिता है, इसका भी हालत यही होगा, तो घर में क्या हो रहा है। यहाँ तो खाना पाना मिल रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें कैसे खाए घर में, वो और अलग परिस्थिति है। ये अगर तो सब आके बोल रहा खाना ठीक है, वो देख नहीं रहा जो DNR रिपोर्ट कब आएगा। वो DNR रिपोर्ट आएगा तो खाना हम लोग को क्या करेंगे। जितना मैं यही बोलना चाहता हूँ जो जितना जल्दी DNR आएगा तो अच्छा होगा, हम लोग रिपोर्ट मिल जाएगा, हम लोग घर चले, हम लोग खाने के लिए नहीं आया। हम लोग का परेशानी है, जो परेशानी दूर करने आया जो हम लोग लेके जाएगा तो अच्छा रहेगा। आपका DNA सैंपल लिया गया? हाँ मेरा नहीं है, मेरा पापा का लिया गया है। मेरा घर बेगूसराय बिहार पड़ता है, वो मेरा बड़े भाई का लड़का है जो डेट किया है। अच्छा। उनका भाई भी आया हुआ है, उनका भाई DNA टेस्ट दिया है। हम लोग तो DNA टेस्ट का साफ पर अभी 16 दिन हो गया हम लोग का हुए यहाँ पे, लेकिन क्या करें DNA टेस्ट नहीं आ रहा है, न हम लोग जा रहे हैं, न हम लोगों को अथी हो रहा है। क्या बोले हॉस्पिटल कैसे हालत में था क्या? वो तो डेट बॉडी पूरा ख़त्म था सर, तो देखे हैं तो बोला है उसके पास एक मोबाइल दूसरा पकड़ाया था बॉडी के पास, बोला है मोबाइल जी है तो उसका कवर दिखाओ, तो कवर पुराना सेट लिया था तो कवर नहीं था, तो वही पे बोला DNA जांच के बाद देंगे। तो हम लोग उसी जांच की आशा पे रुके हैं, देखिए कब दे रहा है। हालत कैसा है, मतलब क्या है, कैसा कहाँ चोट लगा है? चोट उसको जो है ना फेफड़ा कलेजा पे लगा है सर, फेस उसको दिखाई दे रहा है करेंट से, पूरा एकदम काला बॉडी हो चुका है। ये है ना, ये आपका भाई है ना? कितना उम्र होगा, साल कितना? 23 साल का है सर। 23 साल का? जी सर। ये दोस्त साथ जा रहा था। और उनका मतलब पत्नी का बीवी का हालत कैसा है, क्या है? पूरा परेशानी, परिवार फैमिली पूरा परेशान है। अब बोल रहा क्या करेगा, छोड़ दो चले जाओ, हम लोग कैसे, अब इतना दिन रुक गए तब कैसे छोड़ के चले गए। बोलता है छोड़ दो, जो हिंदू धर्म है करेंगे, जो नियम है उसके आसाब, तुम लोग भी वहाँ परेशान है, घर भी परिवार परेशान है, लेकिन अब 17-18 दिन हो गया रुके हैं, अब जाके क्या फायदा घर भी। जी निहत भाव जिते दुख हो बा कष्ट हो एथपाई परिजन मान को नेवापाई अच्छे। हाँ सर आपका कहाँ, आपका कुछ डेड बॉडी चला गया था, सुन रहे थे हम, बिहार चला गया था ना? हाँ क्या क्या आपका नाम क्या है दिखाएंगे? शिवकांत राय, मेरा नाम शिवकांत राय है, मेरा लड़का का नाम विपुल राय है। उन्होंने जब गाड़ी में उठा तो उन्होंने मामी को बोल के गाड़ी में उठाए, दो लड़का गांव से दो लड़का उठा है। अभी क्या है, मतलब डेड बॉडी बिहार चला गया ऐसा कुछ है? अभी तो सुना है डेड बॉडी बिहार में दिया है, जो नंबर हमारा 14 नंबर हम देखा है, मेरा लड़का का साथ थोड़ा मैसिंग होता है। अच्छा। तो वो डेड बॉडी मेरा भैया ने रुकाया था, फोटो वोटो किया था ले जाने के लिए, तो उन्होंने हम उनको बोला भाई मैं आ रहा हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश में था, उन्होंने वेस्ट बंगाल में था,
वो पहले आया, मैं उनका पीछे पीछे आया, तो बोला भाई मैं मिल गया तो मैं डेड बॉडी को ले जाएंगे। तो मैं बोला थोड़ा रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ, दोनों मिल के ले जाएंगे। अच्छा। तो उनका फोटो उठो सब कुछ किया है, उनको बोला है आपको देखने से आपको ले ही जाना पड़ेगा, रुकना नहीं है। तो उन्होंने बोला मेरा भैया आ रहा है, आने से बाद में हम लेके जाएंगे, ऐसा करके। तो फिर मैं बानेश्वर में आ गया, बानेश्वर एक दिन बाद आया, आके बानेश्वर में पूछा जे ये 14 नंबर बॉडी किधर है। तो बोला भैया ये तो अभी जितना डेड बॉडी है ये तो किंग्स में गया है। जे भैया ये आपका तो डेड बॉडी, आपका तो ये 14 नंबर डेड बॉडी तो आपका बिहार में चला गया, उसका तो दूसरा वारिश निकला है, वो उन्होंने ले गया। तो फिर मैं बोला जी तो बॉडी मेरा लड़का का साथ मैचिंग हो रहा है। तब उन्होंने कहा तो ठीक है, जो बॉडी गया है उनका भी डीएनए टेस्ट करेंगे, आपका भी डीएनए टेस्ट करेंगे। तो डीएनए टेस्ट हम लोग दिया अभी है, अभी तो उसका तो जो लिए गए हैं क्या क्रम हो गया होगा आपका, यदि यदि सही है, सही बॉडी है सर। हाँ तो हो गया होगा उसका, तो जला दिया बोला है, अभी तो जला देने से वो अभी वो लोग ले जाके जलाया, हम अभी क्या कर सकता है उसको। अभी घर वाला भी रो रहा है, हमारा घर वाला जो फैमिली है वो भी दिन रात मेरा लिए अभी रो रहा है, लड़का चला गया आप भी ऐसा रो रो के उधर कुछ हो जाएगा, आपको कौन देखेगा, ऐसा गांव बीवी भी बोल रहा है हमको। तो अभी सही बात है जो दुख और कथा जो कहते समस्त लोगों पाखे किसी ना किसी कहानी अच्छी दुख अच्छी आओ किसी लोगों मध्य प्रतिक्रिया नवा बिहार से हैं। ठीक है, तो आप बताइए थोड़ा क्या है, कहाँ से हैं और क्या कौन है आपके यहाँ? ये मेरा जीजा जी जो डेट किए हैं। कहाँ से हैं वो, आपका घर कहाँ पे? मेरा घर बिहार है लेकिन जीजा जी घर झारखंड था। क्या क्या कर रहे थे जीजा जी, क्या काम कर रहे थे और घर में अभी कैसा हालत है भैया? फर्स्ट बार ये जा रहे हैं बाहर गए थे, उसके बाद इसके हादसा ही ऐसा हो गया। घर में अभी सब छोटा छोटा बच्चा है इनका, तीन बच्चा है, एक 4 साल का है, एक 2 साल का है, एक 9 महीना का है, सब पूरा ब्रोरो के हाल है बुरा। फिर यहाँ अभी डीएनए के लिए हम लोग दिए हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं रिपोर्ट का। आप डेड बॉडी को देखे? हम देखे नहीं, हमको नहीं दिखाया, तो उनका भाई है वो देखे हैं, बॉडी पहचान हुआ, हम लोग तो देखते के साथ समझ गए कि वही है। घर में बोल रहे हैं बस जब तक नहीं आएगा यहाँ तो बॉडी कोई देने वाला नहीं, कुछ भी रिक्वेस्ट कीजिए, कितना भी पहचान दिए मैंने, क्या ये सब मेरा है बॉडी, फोटो वगैरह बहुत कुछ दिखाए लेकिन नहीं माने, के बिना रिपोर्ट का नहीं मिलेगा, इस तरह बोला जा रहा। आइडेंटिफाई हो जाएगा तो लेके जाएंगे। हाँ हाँ, डीएनए जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ भी आप पहचान बता रहे हैं फिर भी नहीं मिलेगा, इस तरह से बोला जा रहा है। मिलेगा आइडेंट मतलब मैच हो जाएगा? हाँ, तो मैच हो जाएगा तो फिर तुरंत दिया जाएगा। अब लेके जाएंगे कहाँ पर? हाँ हाँ, यहाँ से फिर ले जाएंगे। आप कहाँ से हैं सर? जी घर सुनढिया पड़ता है। जी 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 घर सुनढिया पड़ता है, जिला पूर्णिया। बिहार से हैं? आपका कौन है? मेरा लड़का है। कितने साल का है? 21 साल का है। क्या कर रहे थे, कैसे कैसा हुआ, क्या घर में क्या है बोलिए थोड़ा सा। वो जा रहा था चेन्नई वो बेलदारी का मकान में काम करने के लिए, ये रास्ते में ये घटना हो गया। अभी तो सारा सबूत के साथ वो मिला, आधार कार्ड मिला बॉडी के पास से। क्या नाम है उनका? सूरज कुमार। क्या कर रहे थे काम? हाँ जी वो काम करने के लिए वो लेबर में मकान में मिस्त्री के साथ मसाला उसाला बना के देता था, वही काम। शादी वादी हुई थी उनका? जी नहीं, अभी 10 का पढ़ाई फाइनल करके वो बाहर जा रहा था, तो सोचा 2-4 पैसा कमा के आएंगे ना उधर से, फिर दूसरा इंटर का तैयारी करेंगे। थोड़ा हम लोगों का गरीबी हालत है ना, सोच सोच के चलना पड़ता है। मतलब ये पढ़ने के लिए पैसा जुटाने के लिए जा रहे थे? जी जी 10 का पढ़ाई करके फाइनल कर लिया था ना, इंटर का पढ़ाई के लिए पैसा उसा का जुगाड़ में गया था। अभी सुनु थे जो पाठ पढ़ापी जड़े बाहर थे 10 पास करापर अगर पाठ पढ़ा आगू पाठ पढ़ापी पैसा जो दरकार होता हालत घर बहुत खराब था से पढ़ापी जाते रास्त दुर्घटना घटला तार प्राण हर आउ कि लोक जो मैंने अपेक्षारत अच्छे रिएक्शन ने आप
कहाँ से भैया आप? झारखंड। झारखंड से हैं, क्या है आपका, क्या स्टूडियो? मेरा भाई का से। भाई का है। क्या क्या भाई भैया कहाँ से निकलते हैं, क्या भाई है? मेरा घर से निकला था सर, चेन्नई जाने के लिए। रास्ता वो तो है, पूरा परेशान है सर। क्या है, क्या बोल रहे हैं? मैं मम्मी सब रो रो के बुरा हाल हो गया है सर घर में। खाना पीना सही से नहीं खा पा रही है बॉडी के लिए सर। बोलता है डेनो रिपोर्ट आएगा तब मिलेगा सर। हम भी पहचान लिए मेरा भाई का। आप पहचान लिए? तब देखे तो बहुत दुख हुआ। बहुत अपना सुनु थे जे प्रत्येक लोक प्रत्येक दुख अनेक दुख अनेक कहानी जिते परिजन हरई से मानकर गोटे गोटे कहानी छुपी आज पर्यंत अपेक्षा करे से परिजन तर डेडबडी नहीं जीवे बहुत अपेक्षार अच्छा सेपटे घर अवस्था बहुत खराब हो गला लोक कांदी कांदी परिजन माने कांदी कांदी आखिर लोह सुखुनी आम भगवान को प्रार्थना करूँ ए समय रे भगवान से मानक साथी छिड़ा हो से मानक सहित से मानक दंभ दियो। भुवनेश्वर कैमरामैन सौम्य रंजन को सहित स्वाधीन राउत ओडिशा रिपोर्टर।